बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव बैठक विद शाकिर जमान, आज एपिसोड है 24। और लाइव बैठक बनाने का मकसद ये था कि जो क्वारंटाइन में आप लोग वक्त है जो है थोड़ा से इल्मी गुफ्तगू हो जाए और मालूमाती चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएं। तो लाइव बैठक तकरीबन 24 एपिसोड हो गया है। तकरीबन रोज़ आपके पास डिफरेंट टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत होते हैं हम, और बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोगों को आपने देखा भी होगा हमारे स्क्रीन पर। और ये सिलसिला तकरीबन 24 दिनों से चल रहा है और मजीद चलता जाएगा, और इंशाल्लाह अनकरीब जो है लाइव बैठक फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर, दोनों पर एक साथ लाइव जा रहा है। और आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है और ये तसलसल की कड़ी है। जब यकुम अप्रैल एक फर्स्ट अप्रैल को जब हमने एक टॉपिक डिसाइड किया था फेक न्यूज़, तो उसकी की एक कड़ी है कि हमने कहा कि अप्रैल का महीना है तो उसी पर, और कुछ जो मीडिया और सोशल मीडिया पर पैनिक क्रिएट है तो उस लिहाज से भी गुफ्तगू कर दी जाए। तो आज का टॉपिक आपके हमारे स्टिकर पे भी चल रहा है, फेक न्यूज सुडो इंटेलेक्चुअल एंड द इम्पॉर्टेंट नॉलेज एंड एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन। तो आज के जो गेस्ट हैं कुछ देर में हमें ज्वाइन भी कर लेंगे, अब्दुल रशीद साहब होंगे, ताबिश सरफराज साहब होंगे और लईक अहमद साहब होंगे। ये तकरीबन ज्वाइन कर लेंगे और अपने जो है एक्सपर्टीज से हमें देखे हमारे देखने वालों को आगाह भी करेंगे। अच्छा, उसके साथ इनके साथ एक और गेस्ट ने अभी ज्वाइन किया है, लईक अहमद साहब ने। ये रिसर्च स्कॉलर हैं, डिबेटर भी हैं और माशाल्लाह से कॉलम गार भी हैं। बहुत सारे टॉपिक के इनके आर्टिकल्स मौजूद हैं। और आप असिस्टेंट टीचिंग डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से आपका ताल्लुक है। खुश आमदीद कहते हैं लईक अहमद साहब के शो में। अस्सलाम वालेकुम लईक भाई। अस्सलाम वालेकुम लईक भाई, अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं। अच्छा, मेरा सवाल अब लईक भाई की तरफ है। लईक भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, बिल्कुल आ रही है, अच्छा आवाज आ रही है सर। लईक भाई, मेरा सवाल आपसे फेक न्यूज से मुतालिक या झूठी खबरों से मुतालिक है कि माहिरीन की एक राय ये भी है कि अगर जो फेक न्यूज होती है उसकी बुनियाद है किसी शख्स की या किसी इदारे की बुराई या तो अच्छाई, तो इस्लाम इस पर क्या कहता है, अच्छाई और बुराई पर जो किसी इदारे किसी शख्स की अगर आप करते हैं तो किस तरीके से बयान करना चाहिए उनकी अच्छाई को या उसकी बुराई को? तो अमूमन माहिरीन की राय यही है कि जो झूठी खबर है उसकी बुनियाद ही होती है कि बुराई होती है या तो फिर अच्छाई होती है। ये लाइक भाई, सर इसमें जो मेन बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि फेक न्यूज़ के पीछे दो ही वजूहात होती हैं, या आप फेक न्यूज़ के पीछे किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, या फेक न्यूज़ के पीछे आप किसी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रहे होते हैं या आप उसकी तहकीर कर रहे होते हैं। ये दोनों में से एक पहलू जो है वो फेक न्यूज़ के हवाले से माहिरीन बयान करते हैं, जो बिल्कुल आपने बयान किया। फेक न्यूज़ का मसला, मैं कुरान और सुन्नत पे जाने से पहले ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि फेक न्यूज़ का मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि फेक न्यूज़ जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक मसला बन चुका है। उसकी अब हालिया मिसाल अगर आप देखना चाहें तो जिस तरह ताबिश भाई भी बात कर रहे थे कि जो 5G के खंभे लगे हैं उसके मुतल्लिक जो है वो फेक न्यूज़ गई कि उसकी वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है, और पूरे यूरोप में एक लोग निकले और उन्होंने 5G के जो खंभे हैं वो उखाड़ के फेंक दिए। तो गो के उसके हवाले से थ्योरीज मौजूद हैं कि उसके हवाले से कुछ लोगों ने कहा है कि इसके पीछे कुछ घनौने किरदार हैं या कुछ भी बातें हैं, लेकिन अवाम का जो रद्द अमल आया वो सिर्फ उस पर कोई रिसर्च नहीं की, यानी तरक्की याफ्ता ममालिक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के लोग भी जो है वो चढ़ दौड़े इस हवाले से। इस हवाले से रियासतें भी इन फेक न्यूज़ को यूज़ करती हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें कि इंडियन मीडिया ने ये खबर चलाई पाकिस्तान के मुतल्लिक कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं और पाकिस्तान के जो कमांडोज हैं उनको जो है वो कोविड-19 हो गया, और ये उनका इसमें मकसद क्या था कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक पैनिक फैल जाए और पाकिस्तानी जो अवाम है वो एक मायूसी का शिकार हो जाए। तो जिस तरह वो इंटरनेशनल रिलेशंस के तहत बात की जा रही थी कि ये जो कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं मुल्कों की जो अपने मफाद के तहत भी उसको यूज़ करते हैं, अगर हम कोविड-19 के तहत देखें तो चाइना और अमरीका भी आपस में इस तरह कर रहे हैं। लेकिन मैं इस हवाले से पाकिस्तान के हवाले से भी माशरे पर बात करना चाहूँगा और फिर आखिर में कुरान और सुन्नत के हवाले से मैं अपनी राय का इजहार करूँगा। पाकिस्तान में अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, जिसको मैं अगर देसी जुबान में कहूँ तो ट्रक की बत्ती के पीछे चल पड़ते हैं, आप यकीन माने कि बिल्कुल पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग
उन्होंने अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया हुआ था कि रात को जो है वो एक मैसेज चला था कि रात को चांद की शुआओं से इफेक्ट हो सकता है, आप सब जो है वो इस हवाले से जो है वो केयर करें। मैंने, डॉक्टर था उसने इसको लगाया, मैंने उस भाई से कहा कि भाई बात यह है कि अगर कोई इतनी ही अहम न्यूज है तो ये बीबीसी पे चल रहा होगा, ये सीएनएन पे चल रहा होगा, ये जियो पे चल रहा होगा, ये एआरवाई पे चल रहा होगा। हुकूमत अगर इतनी अहम न्यूज है तो वो सबको बोल रही होगी, ये आप उस कोई व्हाट्सएप पे या कोई मैसेज पे ऐसी बात सिर्फ नहीं होगी। इसी तरीके से वो एक फेक न्यूज चली पीटीए की, वो एक पूरा एक पेपर भी शाया, उन्होंने प्रिंट निकाला हुआ था फेक, के कोई बंदा जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से बात नहीं कर सकता, कोविड-19 पे अगर करेगा तो ये सजा होगी, और लोग धड़ाधड़ उसको शेयर कर रहे हैं और पढ़े लिखे लोग उसको शेयर कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पर एक मसला है, और दिस इज, और फिर ये मसला जो है हम पहले इल्म होता था, पहले लोगों को, इस पे भी हम बात करेंगे, मैं आखिरी कमेंट कर रहा हूँ, पहले इल्म होता था, लेकिन अब मसला ये है कि जिस एरा में हम जी रहे हैं, जिसे सेंचुरी ऑफ डायलॉग कहा जाता है, इसके अंदर अगर इंटरनेट पर मौजूद 20% इंफॉर्मेशन सही है तो 80% जो है वो गलत न्यूज जो है वो डाल दी गई है, जिसमें से सही खबर को ढूंढना जो है वो मुश्किल हो जाता है। मैं आखिरी कमेंट करना चाहूंगा कुरान और सुन्नत के पराये में, तो कुरान मजीद इस हवाले से बिल्कुल साफ बात करता है। कुरान मजीद ब्रेकिंग न्यूज जो कल्चर है ना उसके भी खिलाफ है, फेक न्यूज से हट कर भी अगर हम बात करें, फेक न्यूज के तो वो खिलाफ है ही है, झूठ के तो वो खिलाफ है ही है। यानी आका अलैहिस्सलाम का ये फरमान मुबारक है कि किसी झूठे शख्स के लिए सिर्फ इतना ही काफी है, सही मुस्लिम की रवायत है कि किसी झूठे शख्स के लिए इतना ही काफी है कि वो सुनी सुनाई बात को ही आगे कर दे, यानी उसने जो सुना वैसे ही उसने आगे पहुंचा दिया। और फिर सूरह हुजरात के अंदर जो आयत मुबारक है अगर आप उसको देखें, कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि ए ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो, ऐसा ना हो कि तुम नादानिस्ता तौर पर किसी कौम का नुकसान कर बैठो और फिर अपने किए पर नादिम हो। और इस आयत मुबारक की जब हम शान नजूल पर जाते हैं, तो एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कौम की तरफ गए थे, और वहां से उन्होंने उनसे जकात वसूल करनी थी, लेकिन उस जो सहाबी थे उनकी उस कौम के साथ कोई दुश्मनी थी, तो जब वो वहां पर गए, वो जो पूरी कौम थी वो बाद में मुसलमान हो गई थी, तो वो जब जमघट्टा इकट्ठा हो रहा था और वो उस सहाबी का इस्तकबाल करने के लिए आ रहे थे, तो वो सहाबी, ये उनको ये गलत फहमी हुई कि ये शायद मेरे खिलाफ जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो वापस आ गए और उन्होंने कहा कि वो कबीला तो जंग की तैयारी कर रहा है। तो बेसिकली उस सहाबी को गलत फहमी हुई थी, और फिर आका पाक अलैहिस्सलाम ने खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह उनको भेजा, तो जब हालात मालूम किए तो ये बात क्लियर हो गई कि वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत फहमी हुई है। तो इस तरह की बहुत सी बातें मौजूद हैं, और कुरान मजीद ने तो ये बात कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनु मअस साबिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ शामिल हो। कुरान मजीद में बहुत सारी आयात ऐसी हैं कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जो भी तुम्हें खबर मिले तो उसको मन वन आगे ना पहुंचा दो जब तक तस्दीक ना हो, और कोई खबर आए तो उस पर पहला रिस्पॉन्स आपका पॉजिटिव होना चाहिए। यानी इस पर कुरान सुन्ना ने हमें बताया है कि उस पर नेगेटिव हमने रिस्पॉन्ड नहीं करना जब तक कि कोई बात रिसर्च से या कोई बात आपकी तस्दीक से साबित नहीं हो जाती। तो ये एक अहम बात है कुरान सुन्नत की, और हमारा जो ब्रेकिंग न्यूज कल्चर है ये इसके भी खिलाफ जाती है कि हमें बात पता चलती नहीं है, कि बात क्लियर है नहीं है, हमने, हमारी न्यूज़ चैनल्स ने कह दिया जी फलां जगह धमाका हो गया, और हमने कोई एक बड़ी न्यूज़ शेयर कर दी और तमाम चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज़ कल्चर में हर चैनल उस पे शद्दो मत से एक ही जराए है जिसने बताई बताई है वो बात, और वो बात चल रही है और उस पे स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई और बहुत सारे मसाइल हो गए, बाद में कहा जी सॉरी हमें तो गलत इत्तला मिली थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इससे कनेक्ट कर। टाइम क्योंकि कम है, तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं, तो एक आखिरी बात पूछ के और फिर अब्दुल रशीद भाई के पास जाऊंगा। एक जो फेक न्यूज हमारे यहाँ जो ना सालाना तौर पे एक मनाया जाती फेक न्यूज, और उसमें वो 1 अप्रैल उसपे जो है हर आम आदमी झूठी खबर दे रहा होता है, हालांकि किसी को हार्ट अटैक आ जाए मर जाए उससे कोई गर्ज नहीं होता। अच्छा, और एक फेक न्यूज पे एक फेक गालिबन मुझे तो लगता है फेक तारीख है कि स्पेन, उससे मंसूब ये किया जाता है ये जो है ना स्पेन के अंदर मुसलमानों को जलाया गया था, फिर वो ऐसी कुछ तारीखें मंसूब की जाती हैं। लाइक भाई इस तारीख के बारे में बताइए, 1 अप्रैल मनाते क्यों है? जी लाइक भाई, सर मैं इसमें जो पहला मेरा कमेंट है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जब आज से 15-20 साल पहले मैं जब सूरत हाल देखता हूँ, अपने बचपन मुझे याद आता है, तो अप्रैल फूल को बहुत ज़्यादा लोग मनाया करते थे, और
बहुत ज्यादा केसेस आया करते थे, यानी अप्रैल अल्लाह फूल के रहमत। हवाले से जब तक लोगों के अंदर इतना ज्यादा शऊर नहीं था तो इसको हर बंदा, हर दूसरा बंदा कोई ना कोई झूठ बोल रहा होता था और उस पे एक उसको एंजॉय कर रहा होता था। हालांकि कई लोग कई मसाइल का शिकार हो जाते थे, मैंने खुद बहुत सारे लोगों को मसाइल का शिकार होते देखा है। लेकिन जैसे जैसे मैं देखा है कि लोगों के अंदर शऊर आया है, क्योंकि मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान बना था तो हम चूंकि एक कॉलोनी रहे हैं, ब्रिटिश की कॉलोनी रहे हैं, और जो लोग भी कॉलोनियल एरा में रहा है उसके बहुत सारे मसाइल रहे हैं। 100 साल हम पर हुक्मरानी करने के बाद अगले 100 साल के लिए हमें मसाइल का शिकार, हमें छोड़कर जो है वो बरतानिया गया है। तो 14% लिटरेसी रेट था। यदि आप हैरान होंगे, जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त जो वो लोग जो पढ़ लिख सकते थे वो 14% थे। मुझे आज भी मेरे कुछ प्रोफेसर हैं जो बताते हैं कि पंजाब के अंदर बाज इलाकों के अंदर कोई एक चिट्ठी आती थी, कोई एक यानी आप समझें कि कोई एक खत आता था, तो उस खत को पढ़ने वाला पूरे पूरे गांव के अंदर कोई नहीं होता था। तो कहने का मकसद ये है कि हमें मुसलमानों को जो उस कॉलोनियल पीरियड में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया, जिसके आफ्टर इफेक्ट्स हमने पाकिस्तान बनने के बाद देखे, और उसकी वजह से जो इस तरह के इवेंट्स होते रहे वो बहुत ज्यादा होते रहे। लेकिन जैसे जैसे अवाम में शऊर पैदा होता रहा है तो मेरा ख्याल है कि बहुत कम हो गया। अब अप्रैल फूल आता है और गुजर जाता है, और शाजिर और नादरी कोई इस हवाले से केसेस देखने में आते हैं। अब हमारे भी जहालत हमारे मीडिया, जब अप्रैल फूल आता है तो हमारा जो मीडिया इंडस्ट्री है, बिलखुसूस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो ऐसे उसको सेलिब्रेट करता है जैसे कि उनके लिए ईद का दिन हो। नहीं नहीं सर, मैं इस पे थोड़ा सा आपसे वो करूँगा, इसमें कोई एक आध चैनल ऐसा करता होगा, बाकी मेरी नज़र से नहीं गुजरा, मैं इस पे यस करूँगा। लेकिन मैं जो आपसे आपने रिवायात की बात की है उस पर मैं ये आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि एक रिवायत तो है, वैसे स्पेनिश इंक्विजिशन, बेसिकली वो जो वाकया है वो स्पेनिश इंक्विजिशन के साथ जुड़ा हुआ है। स्पेनिश इंक्विजिशन में ये था कि जो मलका अजबेला थी और जो एक बादशाह थे, बादशाह का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उनका और मलका अजबेला की शादी हुई थी, जिसकी वजह से जो ईसाई रियासतें हैं वो बड़ी मजबूत हुई थी। और 1492 में उन्होंने स्पेन पर हमला किया था, और स्पेन में उन्होंने जो मुसलमानों का कत्लेआम किया उसकी कोई तारीख में मिसाल नहीं मिलती दीगर। वो जो चंगेजी मामला था वही हमें नजर आता है, और सिर्फ उन्होंने मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं किया था। और ये वो बात है कि जो सिर्फ मुसलमान मौरखीन ने बयान नहीं की, बल्कि इसको जितने भी लिबरल स्कॉलर्स हैं, लिबरल मौरखीन हैं यूरोप के आज के, वो सारे इसको बयान करते हैं और एक तारीख के सिया बाब के तौर पर बयान करते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमानों का भी कत्लेआम किया, उसके साथ साथ उन्होंने यहूदियों का भी कत्लेआम किया, और उसके साथ साथ वो कहते थे कि जो इक्तदार में फिरका मौजूद होता था वो दूसरे फिरके पर कुफर का इल्जाम लगाता था, उसकी जायदाद जब्त कर लेता था और सारे मामला होते थे। तो उसके हवाले से जो एक रिवायत जुड़ी हुई है, वो जो अलामा इकबाल साहब ने भी शेर कहा था कि जब स्पेन जो इल्म का मरकज था मुसलमानों का, जब वहां से मुसलमानों को निकाला गया है तो जहां कोई मुसलमान उन्होंने जिंदा नहीं छोड़ा, गो के ये राय बाज लोग कहते हैं कि कोई एक मुसलमान जिंदा नहीं छोड़ा, ये बात हकीकत के करीब नजर नहीं आती, इसमें भी हम अफरात और तफरीत का शिकार होते हैं। लेकिन इसमें तो जो मगरबी मौरखीन है वो खुद बयान करते हैं कि बड़ी तादाद में उन्होंने मुसलमानों को, ना सिर्फ मुसलमानों को, ईसाइयों, अपने फिरके, अपने से अलग फिरके वालों को भी उन्होंने कत्लेआम किया। तो अलामा इकबाल ने भी कहा कि तमाम मुसलमानों की किताबें वो उठाकर यूरोप भेज दी गई, और 15वीं सदी से उनकी इल्म की तरक्की शुरू होती है। वो 800 साल का जखीरा इल्म जो अरबी में मौजूद था वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है, और फिर उनकी तरक्की शुरू होती है, जिस पर अलामा इकबाल ने कहा था, यह हुकूमत तो आनी जानी शय है मगर वो इल्म के मोती, किताबें अपने आबा की जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है ऐसी पारा। तो मैं समझता हूँ कि वो जो रिवायत है उसको हम हवा में नहीं उड़ा सकते। हो सकता है कि वो रिवायत ठीक हो, लेकिन मेरी इस पर कोई डीपली रिसर्च नहीं है, लेकिन ऐसे वाकयात बहुत सारे हुए हैं। उस रिवायत में ये आता है कि जो मुसलमान घरों में रह गए थे उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि वो सारे एक जगह जमा हो जाएं, और वो जब सारे एक जगह जमा हो गए थे और उनको कहा जी आपको एक महफूज मुल्क में, मुस्लिम ममालिक में आपको हिजरत के लिए लेके जा रहे हैं, जब वो एक सारे एक जगह जमा हो गए और उनको कश्तियों में भर लिया गया, तो समंदर के दरमियान में जब वो पहुंच कर उन्होंने कश्ती को डबो दिया। तो कोई बईद नहीं है कि ये बात सही हो, बाकी ये तारीख का मसला है कि 8-10 रिवायतें होती हैं और किसी एक पर इत्तफाक नहीं हुआ। हाँ।
का पॉइंट आ गया। लाइक भाई टाइम खत्म हो गया, बस मैं आपसे आखिरी कमेंट्स लेना चाह रहा हूँ। इस तमाम सूरत हाल में फेक न्यूज का माहौल सरगर्म है और सुडो इंटेलेक्चुअल हमारे माशरे में जगह जगह पाए जा रहे, तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? सर, हमारी जिम्मेदारी यही है कि इसमें रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। बेसिकली अगर कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को सही करना चाहे तो वो रियासत कर सकती है। रियासत अगर उसको सही करना चाहे तो उस पर पहला काम जो है ना, हमें हमारे अंदर बिगाड़ में लास्ट बात कर रहा हूँ कि हमारे अंदर बिगाड़ इतना है कि अगर उसको सही करने पर भी आए, सही दिल से सही करने पर भी आए तो 15-20 साल लगेंगे। तो हमें आने वाली नस्लों पर काम करना चाहिए, और हमें हम जो जल्दी में चाह रहे होते हैं ना, जल्दी से आउटकम मिले, तो ऐसा नहीं हो सकता। टर्की भी जो एक मजबूत नेशन बनाया है तो उसके पीछे उनकी 25 साल की काविश है, वरना वो बिल्कुल जो है वो एक लिबरल और सेकुलरिज्म के दहाने पे पहुंच चुके थे, जहां से उनका इस्लाम की तरफ आने का कोई भी हमें नजर नहीं आता। लेकिन वहां की जो इस्लामिक पार्टीज थी, उन्होंने खामोशी के साथ 25 साल काम किया और आज आपको असर नजर आता है। तो आज हमें अपनी नस्लों पर काम करना पड़ेगा। जब हम अपनी नस्लों पे काम करेंगे, अपने एजुकेशन सिस्टम पे काम करेंगे, और हर बंदा अपनी जिम्मेदारी अदा करेगा, मैं नहीं तो कौन, अब नहीं तो कब, ये बात अगर हमारा हर बंदा और पढ़ा लिखा बंदा समझ जाएगा, तो आने वाले 15-20 साल में हम ये तवक्को कर सकते हैं कि कोई पाकिस्तानी कौम जो है वो एक बड़े हमें मुतहद नजर आएगी। और ये जरानम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है, साकी, इसमें तो कोई शक। अच्छा, आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ रहे और काफी इल्मी और जो है इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू से हमारे देखने वालों को मुस्तफीज किए। टॉपिक बहुत अच्छा था और मेरे पास अभी सवाल बहुत सारे लिखे हुए हैं, मैंने भी तैयारी की हुई थी इसकी, पर क्योंकि वक्त कलील था, और इंशाल्लाह दोबारा इस टॉपिक पे आप लोगों दोबारा किसी और टॉपिक पे हो सकता है मधु करें, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग दोबारा आएंगे। ताबिश सरफराज भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लईक भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, अब्दुल रशीद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।